नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। डिजिटल मनी क्या है, डिजिटल मनी की टेक्नोलॉजी क्या है और बिटकॉइन से रिलेटेड जो भी इन्फो है उस पर हम डिस्कस करेंगे आज दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे और बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2009 में लॉन्च हुई थी पब्लिकली। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आज मार्केट में कम से कम 1300 से 1500 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ही करेंसी बिटकॉइन की तरह काम कर रही है, जैसे कि इथेरियम हो गया, रिप्पल हो गया, नियो कॉइन, सिया कॉइन, लिट कॉइन, डोग कॉइन, डैश कॉइन, इस तरह की जो अच्छी अच्छी करेंसी है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है वो आज की दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी इसके बाद लॉन्च हुई है उनमें बिटकॉइन ही एक ऐसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो कि नंबर वन पे अभी तक बना हुआ है और बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है टोटली वो ब्लॉकचेन बेस है, ओपन सोर्स और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन का जो आविष्कार है, इसकी जो खोज है, एक प्रकार का जो डिजिटल मनी है, इसकी खोज हुई थी 3 जनवरी 2009 को। ये जानकारी मैं अपने उन दोस्तों को देने जा रहा हूँ जो कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में नए हैं। ठीक है, और जो लोग पुराने हो चुके हैं उनको इससे जानने की काफ़ी चीज़ें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन एक प्रकार की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी थी जो कि लॉन्च हुई थी ग्लोबली। उसके बाद क्या है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे इसका जो रेवोल्यूशन है वो बढ़ता गया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था और इसको जो लॉन्च जिसने किया था उसका नाम सतोशी नाकामोतो था। सतोशी नाकामोतो क्या है कि एक हिडन आइडेंटिटी है। ठीक है, क्योंकि जिसने भी इसकी खोज की थी उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की, अभी तक किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये एक हिडन आइडेंटिटी है तो उसको नाम दिया गया है सतोशी नाकामोतो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि बिटकॉइन का जो क्रिप्टो करेंसी का जो खोज हुआ था वो सिर्फ कुछ लोग थे, उनके बीच में ये डिसाइड हुआ था कि हम बैंक एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता, बैंक को हम यूज़ ना करके अपने बीच में पैसे का ट्रांजेक्शन हम कर सकें आपस में। ठीक है, जैसे कि 500 से 1000 लोगों का पेमेंट नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया डिजिटली, और जो भी डिजिटली पेमेंट नेटवर्क क्रिएट किया उसमें एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया थी वो पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू था। ठीक है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है वो मैं आपको अगले उसमें वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, तो 500 से 1000 लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम बैंक को यूज ना करके बैंक के बिना ही पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आपस में डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन बाय यूज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो उन्होंने बिटकॉइन का जो टेक्नोलॉजी बेस है वो ब्लॉकचेन रखा, ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी वो बिटकॉइन के पीछे है। ठीक है, उसके बाद पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो उसका रेट डिसाइड किया था वो 0.06 सेंट यानी कि 6 रुपये के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये इसका रेट था, और आज जो इसकी वैल्यू है 2017 में एक बिटकॉइन की, आज की जो करंट वैल्यू बता रहा हूँ वो 8410 है, यानी कि 6 लाख से ज़्यादा ये क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये डाटा थोड़ा पुराना है इसमें। तो उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिटकॉइन के बारे में कि फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी, ओपन सोर्स, डिसेंट्रल। उसके बाद क्या आता है कि बिटकॉइन को जो है हम प्राप्त कैसे करेंगे, बिटकॉइन क्या है कि रियल माइंड क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी माइंड क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो दोस्तों माइंड क्रिप्टो करेंसी वो है, इसमें कुछ ब्लॉकचेन का जो एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम होता है तो बिटकॉइन को हम माइन कर सकते हैं माइनिंग मशीन के जरिए। इसके लिए माइनिंग मशीन का सेटअप करना पड़ता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, और वहाँ से माइनिंग हो करके बिटकॉइन निकलता है। माइनिंग मीन्स कुछ डिजिटल कोड होते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिदम सोल्व करनी होती है उस कंप्यूटर हार्डवेयर को उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर, उसके बाद वहाँ से BTC निकलता है। ठीक है,
और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि जीमेल से हम याहू मेल में करेंगे, याहू मेल से रेडिफ मेल में। जो टेक्नोलॉजी अपनाई गई है उस टेक्नोलॉजी के बेस पे इसकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो माइनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से जीमेल से याहू पर मेल चला जाता है, कभी भी ऐसा हुआ है कि हमने जीमेल से याहू को मेल किया और मेल नहीं गया हो, उसकी जो टेक्नोलॉजी का जो बेस है वो बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है कि बिटकॉइन का जो एड्रेस है वो कभी फ्रीज नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन को हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेब वॉलेट में, डेस्क वॉलेट में, मोबाइल वॉलेट में, जिस प्रकार से इंडिया में जैप पे, यूनोकॉइन और इंटरनेशनली ब्लॉकचेन डॉट इन्फो और कॉइन बेस, ये इसके डेस्क वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है, वेब वॉलेट है। ठीक है, वहाँ पर हम बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन इज़ नॉट लाइक एनी सिंगल वेब एप्लीकेशन। बिटकॉइन दोस्तों एक सिंगल वेब एप्लीकेशन नहीं है। जिस प्रकार से कोई वेबसाइट लॉन्च होती है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सिर्फ वो एक ही होता है और उसका यूज़ दूर कहीं हम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम लाइक, उस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। इट्स लाइक टोटली इंटरनेट गोल्ड। आज की दुनिया में बिटकॉइन की जो वैल्यू है गोल्ड से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है दोस्तों, आज 2009 में 6 रुपये का स्टार्ट हुआ था और आज इसका जो रेट है 6 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि बिटकॉइन को हम इंटरनेट गोल्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है कि मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जब इसका जो पेमेंट नेटवर्क लॉन्च हुआ था वो एज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है। दोस्तों ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस तरह से इसका जो कंट्रोल है वो ओपनली जो पब्लिक है उसके हाथ में है, यानी कि हर इंडिविजुअल इस करेंसी को माइनिंग कर सकता है और माइनिंग के बाद जो BTC निकलता है वो मार्केट में जाता है और मार्केट में टोटली जो खेल होता है वो डिमांड और सप्लाई का होता है। जितने BTC कम होंगे उतनी सप्लाई ज़्यादा होगी। तो दूसरे सोर्स में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जा सकता है कि इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और इससे आप अपने बिजनेस का पेमेंट गेटवे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट गेटवे ले सकते हो, अपना कोई भी सिस्टम लॉन्च कर सकते हो बिटकॉइन के सहारे। ठीक है, यानी कि जितने भी डेवलपर हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बिटकॉइन को डेवलप करने की अपने लेवल पर। ठीक है, आज की दुनिया में मोर देन अभी इसमें 1000 एक्सचेंजर से ज़्यादा अवेलेबल है। आज तो तकरीबन काफ़ी होंगे जो कि इंटरनेशनली बिटकॉइन को जो लोकल करेंसी है उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में जैप पे यूनोकॉइन है, बिटकॉइन को INR में, INR को बिटकॉइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जो चार्जेज भी होता है वो काफ़ी कम है। और बिटकॉइन का क्या है कि एक यूनिक इंटरनेट आइडेंटिटी होती है, यानी कि कुछ कोड्स होते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के, और यह जो टेक्नोलॉजी है वो टोटली डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, मीन्स पीपल्स नेटवर्क टोटली, और डायरेक्ट जो लोग हैं वही इसका प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं। टोटली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ठीक है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को खुद पब्लिकली, यानी कि पीपल्स का नेटवर्क, उसमें आप उस टेक्नोलॉजी को अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हो और उसका जो रेट का इंक्रीज और डिक्रीज है वो लोगों के हाथ में होता है, डिमांड एंड सप्लाई का खेल। और डिसेंट्रलाइज टोटली वो पब्लिक के हाथों में होता है। और एक सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होती है जो कि किसी सिस्टम या इंस्टीट्यूशन पर बेस होती है, जिस प्रकार से बैंक होते हैं वो एक सेंट्रलाइज बॉडी होते हैं और उसका जो कंट्रोल है वो बैंकों के हाथ में होगा। जैसे SBI, PNB, इनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ इन्हीं बैंकों के हाथ में होगा, पब्लिक के हाथ में नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बिटकॉइन में जो भी टेक्नोलॉजी है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी, इसका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली पब्लिक के हाथ में दे दिया है, डिमांड एंड सप्लाई का टोटली। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस करेंसी के लॉन्च होने से पहले सिस्टम क्या था पेमेंट का, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम अदले एक जो चीज़ है उसका बदला अदला बदली कर करके दूसरी चीज़ ले लेते थे। जैसे किसी को कुछ चाहिए खाने की चीज़ें, तो वो उसके उसके लिए उसको दूसरी चीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी, तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सबसे पहले पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम था, पेमेंट का नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद में क्या आई, मेटल करेंसी। मेटल करेंसी के बाद रेवोल्यूशन हुआ, तो उसके बाद क्या आ गई थी, पेपर और प्लास्टिक करेंसी। और पेपर और प्लास्टिक करेंसी के बाद क्या आ गए थे, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, ATMs, इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसके बाद एक रेवोल्यूशन हुआ दोस्तों 2009 में, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी आ गई जो दिखाई या सुनाई नहीं देती, जस्ट एक मैथमेटिकल
एल्गोरिथम बेस्ड करेंसी है, डिजिटली वर्चुअल करेंसी जिसको बोलते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, प्रिंट नहीं कर सकते, उसको आप वॉलेट में रख सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और टोटली वो कंट्रोल होती है पब्लिक के हाथों से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी आई इन सब करेंसियों के बाद, ठीक है, और जो पेपर करेंसी आई थी वो सबसे पहले चाइना में आई थी, ठीक है, उसके बाद डिजिटल करेंसी आई 2009 में। ये जो आप देख रहे हैं ये 2009 की जो माइनिंग मशीन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑफलाइन बिटकॉइन ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक स्टोरी फेमस है बर्गर के बारे में, 2010 में किसी इंसान के पास बर्गर खाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है, तो वो दुकान पर गया और उस बंदे ने दुकानदार को 11,500 बिटकॉइन दे दिए बर्गर खाने के लिए, क्योंकि उस टाइम बिटकॉइन को कोई पूछ नहीं रहा था, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी थी, लॉन्च हो चुकी थी 2009 में, 2010 में भी कोई पूछ नहीं रहा था। फिर आज उस बर्गर की वैल्यू 8 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बर्गर इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द वाई, बिकॉज ऑफ मैजिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन को अभी सवाल आता है कि यूज़ कौन कर रहा है, तो दोस्तों बिटकॉइन आज 34 कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में लीगल हो चुका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, चाइना, USA ऑलरेडी, और इंडिया में भी चल रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी गाइडलाइन आने वाली है इसको रेगुलेट करने के लिए, वो उस पर काम चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और RBI के द्वारा, ठीक है। तो बिटकॉइन को पूरे वर्ल्ड में 10 लाख से ज़्यादा बिजनेस मैन यूज़ कर रहे हैं USA में, और 5 लाख से ज़्यादा लोग वर्ल्ड वाइड यूज़ कर रहे हैं। ये जो डाटा दिखा रहा हूँ बहुत कम डाटा है, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए, और इंटरनेशनली तो बिटकॉइन को मैक्सिमम 99% लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है ना, तो हम उसको देख सकते हैं, ना ही तो छू सकते हैं, ना ही प्रिंट कर सकते हैं, तो फिर वो सेफ़ कैसे रहेगी? तो दोस्तों बिटकॉइन सेफ़ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में। ज़्यादा कुछ डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, आज मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाने के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा, और डिटेल में जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि बिटकॉइन के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है और किस तरह से वो काम करती है, ठीक है। तो राइट साइड में आप देख रहे हैं यह एक नेटवर्क है, ठीक है दोस्तों, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है, और यह काम कैसे करता है, यह काम ऐसे करता है, जैसे कि आप मोबाइल से मूवी जो डाउनलोड करते हैं, तो आपके मोबाइल में बीटोरेंट में एक अपलोडिंग और एक डाउनलोडिंग स्पीड दिखाई देती है। अपलोडिंग स्पीड का मतलब क्या है कि आपके मोबाइल में मूवी अपलोड हो रही है, और फिर उस अपलोड से आपके मोबाइल में मूवी डाउनलोड भी हो रही है, दो स्पीड दिखती है वहाँ पे, एक अपलोडिंग स्पीड और एक डाउनलोडिंग स्पीड। तो आपका मोबाइल एज ए सर्वर भी काम करता है और एज ए डाउनलोडिंग मशीन भी काम करता है, दोनों तरह से आपका मोबाइल काम करता है। तो जो वो टेक्नोलॉजी है वो इसमें अपनाई गई है, ठीक है, और बिटकॉइन की जो डिज़ाइन किया गया है उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि कितने भी चाहे ट्रांजेक्शन हो उसमें कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होती। बिटकॉइन का जो वॉलेट है वो सॉफ्टवेयर है वो सेपरेट तरह से बनाया गया है, बहुत हाईली सिक्योर्ड, ठीक है, और उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बहुत ही हाई लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट, बिटकॉइन के बाद क्या होता है कि दो की मिलती है आपको, एक तो प्राइवेट की, ओनली अवेलेबल टू ओनर ऑफ वॉलेट, प्राइवेट की मीन्स आप उसको कहते हैं कि बिटकॉइन को लॉगिन करने के लिए आपको एक प्राइवेट की दी जाएगी, और या उसको वॉलेट आईडी बोलते हैं। दूसरी पब्लिक की, पब्लिक की यूज्ड बाय माइनर्स टू वेरीफाई पब्लिक लेजर, ठीक है, और पब्लिक की का मतलब एड्रेस, उसका बिटकॉइन का जो एड्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट है बिटकॉइन माइनिंग की, माइनिंग क्या होती है, तो माइनिंग दोस्तों उसे कहते हैं कि बिटकॉइन को जो बनने की प्रक्रिया है, बिटकॉइन कहाँ से आता है, कौन सी मशीनों से आता है, किस तरह से माइनिंग होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो भी आदमी यूज़ करता है बिटकॉइन को वो बैंक ऑफ बिटकॉइन का एक पार्ट बन जाता है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि माइनिंग मशीन को हम एज ए बैंक बोल सकते हैं जो कि बिटकॉइन जनरेट करती है। माइनिंग का मतलब जस्ट एक बैंक, एक अथॉरिटी, एक इंस्टीट्यूशन है, आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनिंग का मतलब ये होता है बनाना, निकालना वहाँ से, जैसे खदानों से खनिज निकालते हैं हम खोद खोद करके, माइन करके,
तो उस बेस में यहाँ पर हम बिटकॉइन निकालते हैं माइनिंग मशीन से। वहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स सोल्व करनी होती है, कुछ कैलकुलेशंस वगैरह, वहाँ से बिटकॉइन जनरेट होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि माइनर्स के पास क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करता है और उसको जो ट्रांजेक्शन है उसको ऑनलाइन वेरीफाई करता है पेयर टू पेयर नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, जब किसी भी मशीन या हार्डवेयर से वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व कर ली जाती है, ट्रांजेक्शन जो भी बिटकॉइन के ऑनलाइन होते हैं उनके ट्रांजेक्शन को कन्फर्म कर लिया जाता है, तो उनको रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में बिटकॉइन मिलते हैं एक्सचेंज से फॉर यूजिंग देयर कंप्यूटर पावर। उन्होंने जो भी कंप्यूटर पावर यूज़ की है, जितने भी सीपीयू लगाए हैं, हार्डवेयर लगाए हैं, जो भी उनका खर्चा हुआ है, उनको इनाम के रूप में बिटकॉइन दे दिए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइनिंग ऑफ द बिटकॉइन। ठीक है, जैसे ज़्यादा माइनर्स ऑनलाइन आएंगे तो नेटवर्क ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा और मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो माइनर्स के बगैर नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आजकल जो बिटकॉइन की जो मशीन लगी हुई है, माइनिंग की मशीन लगी हुई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को सिक्योर करती है और उसके जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से हल करती है। ठीक है, तो और जो भी कॉइन आए हैं अभी, बिटकॉइन गोल्ड और BCC, ये जो कॉइन दो आए हैं ये बिटकॉइन के पार्ट हैं, लेकिन जो बिटकॉइन की जो माइनिंग करते हैं उन्होंने ये डेवलप किए हैं, तो वो भी रिजेंबलेंस है, बिटकॉइन की तरह ही काम करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिटकॉइन के बाद 1300 से ज़्यादा करेंसी मार्केट में आ चुकी है, जैसे इथेरियम, रिपल, मोनेरो, लाइट कॉइन, ETC, जो भी बाइटकॉइन, डिजिट बाइटकॉइन, क्लासिक, स्टेलर, जेडकैश, डोजीकॉइन। ठीक है, काफ़ी करेंसी मार्केट में आ चुकी है उसके बाद, लेकिन बिटकॉइन स्टिल नंबर वन पे है, जो कि एक सेंट्रलाइज करेंसी नहीं है, इट इज़ टोटली ए डिसेंट्रलाइज करेंसी। ठीक है दोस्तों, और डिसेंट्रलाइज करेंसी में जो कंट्रोल होता है वो पब्लिक के हाथ में होता है, और इसको किसने इन्वेंट किया था उसका अभी तक पता नहीं, जस्ट एक हिडन आइडेंटिटी है सतोशी नाकामोटो। ठीक है दोस्तों, और ग्रोथ ऑफ बिटकॉइन का रीज़न क्या है कि आगे ये ग्रोथ क्यों करेगा, क्योंकि इस नोबडी कंट्रोल बिटकॉइन, नो वन कैन क्रिएट बिटकॉइन बाय हिज विश। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है, एक प्रकार से टेक्नोलॉजी की जो चीज़ है वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और मोस्टली लोग इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और पूरे इंटरनेशनली अभी टोटल 21 मिलियन कॉइन्स की सप्लाई है, जिसमें से जो मार्केट में है वो BTC अभी चल रहे हैं। ये आपको डाटा दिखा रहा हूँ 2009 से 12 तक कितने BTC बने, और उनमें हर 10 मिनट में इतने BTC बनते थे, और धीरे धीरे 2020 तक काफ़ी कम हो जाएंगे, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका जो रेशियो है। ठीक है, और 8.5 साल में से 125 साल तक का इनका टोटल वो है 70% BTC, 30% और 1.6 करोड़ और 50 लाख। ठीक है, ये जो इसका डाटा है वो दिखा रखा है। ठीक है, लास्ट बिटकॉइन बनेगा 2140 में, और उसमें टाइम लगेगा हर साल 0.25 BTC बनना, 0.25 BTC बनेगा हर साल 2136 से 2140 के बीच, हर साल इतना BTC बनेगा, और लास्ट BTC बनेगा 2140 में। ठीक है, तो जो इसकी ग्रोथ का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा रीज़न है ये कि डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, और इसका जो इन्वेंटर है वो अभी हिडन आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड का, और टोटल जो कॉइन है वो 2 करोड़ 10 लाख के करीब बिटकॉइन बनने हैं, और लास्ट जो BTC है वो हर 4 साल बाद जो BTC जनरेशन पावर है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, और बिटकॉइन माइनिंग के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया है, और डिटेल में इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो इसके लिए आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनका कम्बिनेशन है ये, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हुई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और करंट इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।